वैविध्यपूर्ण वन जीव। वैविध्यपूर्ण वन जीव अर्थात भारत में अलग अलग प्रकार के वन जीवों में विविधता पाई जाती है। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15,00,000 प्रजातियां हैं। इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती है। जैव विविध की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका जैसे तीनों प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं। अफ्रीका का झरक चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्घा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग। दक्षिण पूर्व एशिया का हाथी, गिब्बन जो बंदर के प्रजाति के रूप में जानी जाती है आदि मिलते हैं। तो आपने देखा भारत में तीन प्रकार के देशों के वन जीव पाए जाते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये तीनों महाद्वीप के वन जीव पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का झरक चिंकारा, यूरोपियन का लकड़बग्घा और जंगली बकरिया तथा कश्मीरी मृग, और एशिया का हाथी और गिब्बन आदि मिलते हैं। भारतीय जैव वैविध्य में काले भालू, एक सिंगे भारतीय गेंडा, हिरण, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराड़, बाज, कलकलिया, सुरखाब, सारस पाए जाते हैं। ये सभी भारत के जैव विविध के पाए जाने वाले प्राणी है, जो आगे पीछे नाम बोलने में लिखने में होगा चलेगा। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता हिम तेंदुआ, वहीं पर ठंडे वनों में मिलने वाला लाल पांडा विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह दोनों अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवला देव के राष्ट्र उद्यान, भरतपुर में जो आया हुआ है, गुजरात के नल सरोवर जैसे जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य ययावर पक्षी अर्थात विदेशी पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। ओडिशा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर, विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वाले वनों में राजनाग पाए जाते हैं। तो ये विविध वन जीव आपको टिप्पणी में भी काम आएगा और ढेर सारे विकल्प के रूप में भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लुप्त होते वन जीव, जो टिप्पणी में पूछा जाता है। गुजरात में इडर, अंबाजी, पंचमहल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे, परंतु आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। भारतीय जंगलों में चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अनेक पक्षियों की जातियां अब हमें सौभाग्यवश ही दिखती है। गिद्ध, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज हमें सरलता से नहीं मिलते हैं। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल जो मगर की प्रजाति है, और गंगे डॉल्फिन, ये जो गंगा नदी में पाई जाती है, गंगे डॉल्फिन के अस्तित्व पे भी आज बड़ा संकट आया हुआ है। ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्र किनारे अंडा देने आती समुद्री कछुओं की संख्या में लगातार भारी कमी आई है। एक समय गुजरात के नर्मदा, तापी, मही और साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जल बिल्ली, जिसे हम जल बिलाड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है। तो इस तरह से बच्चों लुप्त होते वन जीव आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा।